एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ महिमा। और सबसे पहले सवाल खड़ा ये होता है कि हाथरस में जो हुआ वो हादसा था या हत्या, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे बाबा को सुनने के लिए। बाबा अभी तक फरार है। अगर बाबा सच में ही अपने अनुयायियों की इतनी चिंता करता तो आखिरकार वो कहाँ पर है? इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या बाबा जानबूझकर गायब हुआ या फिर जो भी हादसा हुआ है उसकी वजह से बाबा डर गया है इसीलिए भागा है, या फिर उसको जांच को लेकर के अब डर है कि वो सलाखों के पीछे जा सकता है, क्योंकि 80,000 के करीब लोगों के वहां पहुंचने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 80,000 से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वक्त हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो ये कहा जा रहा था कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। तो सबसे पहले आपको सुनवाते जो लोग पीड़ित है, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? गई भैया मेरी तो सब लुट गो, मैं तो भैया कचीना बचो। मेरी मम्मी गरवारी और मेरी लाली। सत्संग में पूरी बस भर गई थी, बाकी सब सुरक्षित। जी जी जी, बाकी सब सुरक्षित पहुंच गई, यही अकेली नहीं पहुंची थी। हमको पब्लिक ऐप पे मालूम पड़ी, मोबाइल में इनका फोटो आया, तो हम पहले अलीगढ़ में जेएन हॉस्पिटल गई, उसके बाद में हम मोर्चरी गए, वहां से दोबारा पब्लिक ऐप पे वो आया कि वो ट्रामा सेंटर सिकंदराव में, सिकंदराव वहां पहुंचे तो वहां मालूम पड़ा कि वो हाथस के लिए रेफर कर दिए सबरी। इन लोगों को आपने सुन लिया, इन लोगों के दर्द को आपने सुन लिया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बाबा सूरजपाल कहाँ है? अगर अपने अनुयायियों की बाबा को इतनी चिंता थी, अगर सच में दुख और दर्द अपने लोगों का वो समझता था, तो बाबा कहाँ पर गया? सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाबा ने इन लोगों को रोका क्यों नहीं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं? जब बाबा पैर छूने के लिए भागने लगे, जब जो लोग हैं बाबा ने अपना जो प्रवचन है उसको पूरा किया, लोग पैर छूने के लिए भगदड़ करने लगे, भागने लगे, तो बाबा ने उन लोगों को रोका क्यों नहीं? और जब ये सब कुछ हो रहा था तो बाबा वहां से भाग क्यों गया? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। वैसे खबर ये भी मिल रही है कि मैनपुरी में इस वक्त छापेमारी चल रही है, और जो ठिकाना है इस बाबा का, सूरजपाल का जो ठिकाना है, इस वक्त चारों तरफ से पुलिस ने उसको घेर लिया है, और अभी वहां पर उसके जो समर्थक है वो भी मौजूद है। तो ये भी खड़ा सवाल हो रहा है कि क्या समर्थकों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है ये बाबा? छापेमारी लगातार की जा रही है, ज्यादा दिन, ज्यादा घंटों, ज्यादा मिनटों तक ये बच नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तो हो ही रही। लेकिन सबसे पहली बात, आयोजकों पर भी FIR दर्ज हो चुकी है, क्योंकि जिन्होंने आयोजन कराया था क्या उन्होंने प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी के बारे में नहीं बताया कि आपको इतनी व्यवस्था करनी है? और बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है, अगर आयोजकों की तरफ से बताया गया था कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे तो आपने प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं किया? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अपडेट यही कि बाबा फरार है, इसीलिए अंधविश्वास आपको नहीं करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि आप आस्था कीजिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, आपके अपने परिवार वालों की जान खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे हादसे को लेकर, मामले को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए।